हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम त्रिभुज पाठर अनुशीलन दुईर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु, आउ चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेब चलतु आज आम त्रिभुज पाठर अनुशीलन दुईर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो प्रथम जी आम एक नंबर को, एक नंबर क्वेश्चन दे, निम्न उक्ति गुड़िक ठीक थिले कोठरी मध्य ठीक चिन्ह आउ भूल थिले भूल चिन्ह दियो। हला तो प्रथम देखिबा, से देछि ए बी सरल रेखा, बी सी सरल रेखा आउ सी ए सरल रेखा, प्रत्येक त्रिभुज ए बी सी रो गोटिए गोटिए बाहु। मन रख ए चिन्ह की चिन्ह जा यूज कौन सरल रेखा, ये हूँ रश्मि आउ ये रेखाखंड, बुझा पड़ा। से कह ए बी सरल रेखा, बी सी सरल रेखा आउ सी ए सरल रेखा, प्रत्येक गोटे गोटे त्रिभुज गोटे गोटे बाहू। आम त्रिभुज अंकन करवा, आम जो त्रिभुज अंकन करुचे ये सरल रेखा यूज कर, सरल रेखा मानते कौन से लंबी लंबी चलत, ये एपटे लंबी लंबी चल थो, ये एपटे लंबी लंबी चल थो, बुझा पड़ा। तो त्रिभुज बाहू को लंबी थाउे कि ना से सीमित था, बुझा पड़ा। आम मन कर पाँच सेमी बाहू ना, तो पाँच सेमी ये कौन सीमित रही, मन कर ए बाहू आम सात सेमी ना, तो सात सेमी ये कौन सीमित रही, मन कर ए बाहू आम दस सेमी ना, तो दस सेमी ये कौन सीमित रही, बुझा पड़ा। तो ये सरल रेखा हो पार कि पार्बन, से ये संपूर्ण कौन जे भूल अच्छे, बुझा पड़ा। केमी भूल है, खाली भूल चिन्ह मारिदे हेनी, बुझे पड़ब केमी भूल है, ये भूल अच्छे। बी रे कही ए बी ये कौन रेखाखंड, ये चिन्ह की चिन्ह यहाँ रेखाखंड, ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड आउ सी ए रेखाखंड त्रय द्वारा त्रिभुज ए बी सी गठित है। त्रिभुज ए बी सी देख, ए बी सी रेखाखंड मान कौन या निर्दिष्ट दैर्घ्य थाए, बुझा पड़ा। ये सीमित मन कर मुझे कहि पांच सेमी विशिष्ट गोटे रेखाखंड अंकन कर, अंकन करदे, बुझा पड़ा। मुझे कह दस सेमी विशिष्ट गोटे रेखाखंड अंकन कर, अंकन करदेव, बुझा पड़ा। मानने यार सीमित, यार प्रांतबिंदु आद्य बिंदु थाए, बुझा पड़ा। आउ ये कौन सीमित, तो आम कौन कौचे ना तीन सेमी विशिष्ट गोटे समबाहु त्रिभुज अंकन कर, मान कौन गोटे गोटे बाहू तीन सेमी लिखाए, बुझा पड़ा। तो जो तीन सेमी बाहू ये कौन सीमित है, सीमित मान कौन ये गोटे गोटे कौन रेखाखंड, तो ये कौन संपूर्ण ठीक हम, बुझा पड़ा। ए बी बी सी सी ए रेखाखंड द्वारा त्रिभुज ए बी सी गठित, ये कौन संपूर्ण ठीक हम। तापर त्रिभुज बिंदु मानक सेट, त्रिभुज बिंदु मानक सेट, त्रिभुज अंकन करवा, त्रिभुज बहुत गुड़े बिंदु मानक सेट संपूर्ण ठीक है, केतक बिंदु अंतस्थ था, केतक उपरिस्थ था, बुझा पड़ा। केतक उपरिस्थ आउ केतक अंतस्थ, उपरिस्थ और अंतस्थ को नहीं कौन टोटाल त्रिभुज गठित होती, तो ये कौन संपूर्ण ठीक हम। डी नंबर क्वेश्चन कह, गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज अति बेसी गोटे सूक्ष्मकोण रोटे, स्थूलकोणी त्रिभुज स्थूलकोण मान कौन ना गोटे कोण 90 डिग्री रु अधिक हो, ये गोटे कौन जे स्थूलकोणी त्रिभुज ना देदे ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी गोटे कौन जे स्थूलकोणी त्रिभुज, यटार स्थूलकोण कौटा यूज कौन स्थूलकोण। से कही गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज अति बेसी गोटे स्थूलकोण रॉरी, हाँ हाँ सॉरी, गोटे स्थूलकोण रही कहि गोटे त्रिभुज दुईटा स्थूलकोण रही संभव कि ये गोटे स्थूलकोण है आगे स्थूलकोण कौन एपर हम यही टाइप हम, तो ये त्रिभुज हो पार किपर, बुझा पड़ा। तो ये कौन ठीक कही गोटे त्रिभुज गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज अति बेसी गोटे आगे कौन स्थूलकोण रे कौन संपूर्ण ठीक, ये ठीक अच्छे। तापर देखिए ई नंबर कौन दे, त्रिभुज ए बी सी रम एंगेल बी एंगल सी को ए ठारे बहिस्थ कोणर अंतस्थ दूरवर्ती कोण कहुए, है चित्र करवा टिके रु लिभे दूँ, देख से कही त्रिभुज ए बी सी रे, ए बी सी गोटे त्रिभुज ए बी सी रे एम एंगल बी एम एंगल सी को एम एंगल बी को आउ एम एंगल सी को एंगल ए ठारे गोटे बहिस्थ कोण, ये गोटे कोण बहिस्थ कोण, यही बहिस्थ कोण अंतस्थ दूरवर्ती कोण कहुए कहुए ठीक, बुझा गल चित्र आम कौन ठीक आसी, तो ये कौन संपूर्ण ठीक हम है। तापर जी आम एफ नंबर क्वेश्चन को कौन दे, गोटे समकोणी त्रिभुज अति बेसी दुई गोटे सूक्ष्मकोण रहीपर,
सूक्ष्म कोण माने कौन 90 डिग्री रु कम हेतिबे हला चित्र करबा गोटे समकोणी त्रिभुज हला ये गोटे कोण छ समकोणी त्रिभुज ये 90 डिग्री समकोण गोटे समकोणी त्रिभुज रे अति बेसी रे दुईटी सूक्ष्म कोण रही पार ये दुटा कोण कौन हम 90 डिग्री छोट हम जो गोटे कोण 90 डिग्री होगा आ दुटा कोण मिसले कित हम 90 डिग्री हम जदि दुटा कोण 90 डिग्री हुए तो गोटे गोटे कोण कौन 90 डिग्री छोट हे बुझा गल सर छोट हे ओके ये मध्य कौन संपूर्ण ठीक अच्छे है ये ठीक अच्छे जी नंबर क्वेश्चन जी त्रिभुज ए बी सी रे ए बी इज इक्वल टू ए सी हेले एंगल ए हो एंगल बी रो परिमाण द्वय समान हबो त्रिभुज ए बी सी रे चित्र कर दो ए बी सी रे ए बी सी रे ए बी इज इक्वल टू ए सी जदि ए बी इज इक्वल टू ए सी हुए तेबे एंगल ए आउ एंगल बी समान हबो कि नाही जदि ए बी इज इक्वल टू ए सी हुए तार समीकरण कोण कोडा ए सी रो समीकरण कोण कोडा बी आउ ए बी रो समीकरण कोण कोडा सी बुझा गला बी आउ सी समान हबो ए आउ बी समान हबो नाही बुझा गला ये भूल अछि ओके जी नंबर टा संपूर्ण भूल अछि हेच नंबर देखिबा त्रिभुजर मध्यम त्रयर छेदबिंदु सर्वदा त्रिभुजर अंतर्देश रे अवस्थान न करि पारंती हेला से कहिछि त्रिभुजर मध्यम त्रयर छेदबिंदु सर्वदा त्रिभुजर अंतर्देश रे अवस्थान न करि पारंती मने कर गोटे त्रिभुज नबा ये गोटे त्रिभुज ताकर मध्यम ये गोटे मध्यम ये गोटे मध्यम ये गोटे मध्यम मध्यम त्रय कौन जे त्रिभुजर अंतर्देश रे अवस्थान न करि पारंती नाही अवस्थान करि पारंती न होबनी करि पारंती सेति कोन ये संपूर्ण भूल ओके तापर जिबा में आई नंबर कोन देछि त्रिभुजर त्रिभुजर दुई कोणर परिमाण समष्टि सर्वदा तृतीय कोणटार बृहत्तर संपूर्ण ठीक त्रिभुजर दुईटा कोणर परिमाण समष्टि कोण तृतीय कोणटार बड़ हबो ये कोण ठीक अछि तापर जिबा में जे नंबर को कोन देछि त्रिभुजर कोणिक बिंदु त्रय त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु अटंती त्रिभुजर कोणिक बिंदु त्रय त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु अटंती कि नाही माने कोण त्रिभुजर उपरिस्थ बिंदु ये संपूर्ण भूल अछि त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुर दैर्घ्य अपेक्षा बृहत्तर हला त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुर कोण बृहत्तर ये संपूर्ण ठीक अछि हला ठीक टिके रुह जो आई नंबर कही त्रिभुजर दुई कोणर परिमाण समष्टि सर्वदा तृतीय कोणर बृहत्तर ये संपूर्ण भूल अछि हेला ये भूल अच्छे ठीक मार दे थी ये भूल अच्छे बुझा पड़ा तापर जीवा आम एल नंबर देखा एल नंबर कौन दे गोटे त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदुर उत्पन्न बहिस्थ कोणर परिमाण सर्वदा यही शीर्षस्थ अंतस्थ कोणर परिमाण ठार बृहत्तर से कही गोटे त्रिभुजर गोटे त्रिभुज ना गोटे त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदुर उत्पन्न बहिस्थ कोणर परिमाण यही मन कर भावनी गोटे शीर्ष बिंदु यही उत्पन्न बहिस्थ कोणर परिमाण यही शीर्षस्थ अंतस्थ कोणर परिमाण ठीक बृहत्तर अंतस्थ कोण कौन यही कोण यही कोणटार ये बड़ ना बड़ हो पाए छोट भी हो पाए बुझा गल ये से कौन संपूर्ण भूल अच्छे ओके तापर जीवा आम दुई नंबर आशा करूँ एक नंबर समस्त को बुझा पड़ खाली ठीक भूल मारनी बुझा गला बुझे चेस्टा कर कहीं ना यही क्वेश्चन जाक तुम एफ ए वन एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा पड़ज बुझा पड़ा तापर जीवा दुई नंबर को दुई नंबर कौन दे शून्य स्थान पूरण कर शून्य स्थान पूरण कर कौन दे गोटे त्रिभुजर डैश गोटे शीर्ष बिंदु अच्छे गोटे त्रिभुजर केतोटी शीर्ष बिंदु अच्छे तीनोटी है बी नंबर कही गोटे त्रिभुजर मध्यम संख्या डैश गोटे त्रिभुजर केतोटा मध्यम अच्छी मध्यम केतटा अच्छे तीन टा अच्छे है आंसर है थ्री गोटे त्रिभुजर बाहु संख्या कितना बाहु अच्छे एक दुई तीन तीन टा बाहु अच्छे डी नंबर कही गोटे सूक्ष्म कोणी त्रिभुजर कोणिक बिंदुर विपरीत बाहु प्रति अंकित लंब संख्या कोणिक बिंदुर गोटे त्रिभुजर कोणिक बिंदुर विपरीत बाहु प्रति अंकित लंब संख्या कितना लंब हम ना तीन टा लंब हम है
ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେଟା କୋଣ ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ତିନିଟା କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ସବୁର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯେ ତିନି 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 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ତ୍ରିଭୁଜର କେତେଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, କେତେଟା ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ କେତେଟା ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ସେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଟେବୁଲଟାକୁ ପୂରଣ କର ହେଲା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାରଣୀରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ହେଲା। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଉପରେ କିଏ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଉପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବି ଅଛି, ସି ଅଛି, ପି ଅଛି, ଆର୍ ହେଲା, କେ ଆଉ ଏସ୍। ତ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଇଛେ ହେଲା, ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ, ତ୍ରିଭୁଜର ଭିତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଭିତର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମ, ଏଲ, ଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଲ, ଏମ, ଏନ୍ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିର୍ଦେଶ, ବହିର୍ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ବାହାରେ, ତ୍ରିଭୁଜର ବାହାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଙ୍ଗେଲ ଇ ସରି ଇ ଅଛି ଆଉ କ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଇ ଆଉ କ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବା ହେଲା। ଇ ଆଉ କ୍ୟୁ ଟିକେ ରୁହ, ଇ ଆଉ କ୍ୟୁ ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା, ଇ ଆଉ କ୍ୟୁ ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ତୁମର ତିନି ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯାକ ତିନି ମାର୍କ ଚାରି ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯାକ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ମାନ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ଏଫ୍, ଏଙ୍ଗେଲ ସି ବି ଡି ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ସି ଇ। ଯଦି ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 112 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 53 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ସେ କହିଛି ଯେ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ଏଫ୍, ବି ଏ ଏଫ୍ ଏଇ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? 112 ଡିଗ୍ରୀ। ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ସି ଇଏ କେତେ ଦେଇଛି? 153 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ସେ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣ ମାନେ ଏଇ କୋଣ, ଏଇ କୋଣ, ସବୁ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର କହିଛି ହେଲା। ତ କାଢ଼ିବା ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ କୋଣ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ କି କୋଣ? ଏଇ କୋଣ, ଏଇ କୋଣ କି କୋଣ? ନା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? 112 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 68 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ କେତେ ହେଲା? 68 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ କି କୋଣ? ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କିମ୍ବା କେବଳ ପରିପୂରକ କୋଣ ମାନେ କ'ଣ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଗୋଟିଏ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? 53 ଦେଇଛି। ତ 53 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତେ ଆସିବ? 127। ତ ଏଇ କୋଣ କେତେ ହେଲା? 127 ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଆଗେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଆମର କ'ଣ ଯେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଙ୍ଗେଲ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି? ଏଙ୍ଗେଲ ଏ କେତେ? 68। ଏଙ୍ଗେଲ ବି କେତେ? 53। ତ ଏଙ୍ଗେଲ ସି କେତେ ହେବ? ତିନିଟା କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି, ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଙ୍ଗେଲ ଏ କେତେ? 68 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଙ୍ଗେଲ ବି କେତେ? 53। ଏଙ୍ଗେଲ ସି କେତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସିକ୍ସ ସି ପକାଇ ଦିଅ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, ତାପରେ ମିଶାଇ ଦିଅ, 8 3 11, 1 କେଲେ 1 6 1 7 7 5 12, 181 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 121। ତ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିବ? ଇଏ 9, ଇଏ 7ରୁ 2 ଗଲେ 5, କେତେ ଆସିବ? 69 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆସିଛି 68, 127, 69 ଆଉ 121 ହେଲା। ସରି, ଏ ସି ଗୋଟେ ରହିଲା ନାଇଁ କି? ଏ ସି ଗୋଟେ ରହିଲା। ତ ଏ ସି କେତେ ହେବ? ଏ ସି କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଏଇ କୋଣ, ଏଇ କୋଣ କ'ଣ ଯେ ଦୁଇଟା ସନ୍ନିହିତ ପରିବେଶ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କୋଣ କେତେ? 69। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ମାଇନସ୍ 69 କେତେ ଆସିବ? 121 ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 72 ଡିଗ୍ରୀ,
एम एंगल बी इक्वाल टू 36 डिग्री हेले एंगल सी रो परिमाण स्थिर कर त्रिभुज ए बी सी कि प्रकार त्रिभुज यार उत्तर कारण सह दर्श हेला त्रिभुज ए बी सी रे एम एंगल ए केते देछि 72 डिग्री एम एंगल बी केते 36 डिग्री तो एंगल सी बाहर कर दबा हेला त्रिभुज रो तीन कोण रो समष्टि केते 180 डिग्री बुझाला दुईटा कोण कौन देछि 72 डिग्री गोटे आउ 36 डिग्री गोटे 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एम एंगल सी इक्वाल टू 180 डिग्री 72 36 मिसेदे केते हे जेबो 72 आउ 36 मिसेदे 6 2 8 7 3 10 108 होगा बुझा पड़ा तो एंगल सी इक्वाल के 180 डिग्री माइनस 108 तो आंसर के 72 डिग्री तो एंगल सी के 72 ये देख एंगल ए रे परिमाण जी एंगल सी रे परिमाण कौन जे से बुझा पड़ा त्रिभुज चित्र करदे ये देख ए बी सी एंगल ए रे परिमाण जी एंगल सी रे परिमाण से जदि दुईट कोण सामान हुए सम्मुखीन बाहू मध्य कौन हम सामान हम बुझा पड़ा मन रख जदि दुईट बाहू सामान हुए सम्मुखीन कोण सामान हम जदि दुईट कोण सामान हुए सम्मुखीन बाहू मध्य कौन जे सामान हम तो एंगल ए आ एंगल सी कौन सामान अच्छा बुझा पड़ा दुईटा कोण सामान अच्छे तो सम्मुखीन बाहू ए रम्मुखीन बाहू किए बी सी सी रम्मुखीन बाहू किए ए बी तो बी सी आउ ए कौन सामान जदि त्रिभुज दुईटा बाहू सामान जाए तेज सी कि त्रिभुज एक समद्वि बाहू त्रिभुज है तो आंसर हो त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहू त्रिभुज है जावा आम 6 नंबर क्वेश्चन कौन दे त्रिभुज ए बी सी एंगल ए परिमाण एंगल बी परिमाण अपेक्षा 10 डिग्री अधिक और एंगल बी परिमाण एंगल सी परिमाण अपेक्षा 10 डिग्री अधिक हेले कोण त्रय परिमाण निर्णय कर मनेकर एंगल सी आम एक्स नहीं मनेकर एंगल सी एक्स तो एंगल बी कौन एंगल सी अपेक्षा 10 डिग्री अधिक तो एंगल बी के ना एंगल सी परिमाण के एक्स डिग्री एक्स ठार 10 डिग्री अधिक मान एक्स प्लस 10 है ये एंगल बी तो एंगल ए रे परिमाण के एंगल ए रे परिमाण कौन एंगल बी ठार 10 डिग्री अधिक बुझा पड़ा एंगल बी के एक्स प्लस 10 ताठार 10 डिग्री अधिक माने एक्स प्लस 10 प्लस 10 तो के एक्स प्लस 20 बर्तमान आम पकेबा त्रिभुजर तीन कोण समष्टि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वाल टू 180 डिग्री हेला तो एंगल ए केते एक्स प्लस 20 एंगल बी केते एक्स प्लस 10 एंगल सी केते एक्स डिग्री तो एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वाल टू 180 डिग्री ओके तो मिसे दियो एक्स 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 थ्री एक्स ये दुई एक तीन थ्री एक्स प्लस 20 30 इज इक्वाल टू 180 डिग्री तो थ्री एक्स इक्वाल के 180 डिग्री माइनस 30 180 30 गले के 150 डिग्री है तो एक्स इज इक्वाल के 150 डिग्री बाय 3 काटिले के 50 डिग्री तो एक्स रिमाण के 50 अर्थात एंगल सी के 50 एंगल बी के एक्स प्लस 10 मानक 50 प्लस 10 तो 50 प्लस 10 के 60 डिग्री एंगल ए के एक्स प्लस 10 प्लस 10 बुझा पड़ा बा 60 प्लस 10 तो 60 प्लस 10 इक्वाल के 70 डिग्री बुझा पड़ा तो एंगल ए 50 एंगल बी 60 एंगल ए 70 डिग्री हेलो आशा करूँ एक टू 6 नंबर जे समस्त बुझा पड़ब एबे आम 7 नंबर जीवा 7 नंबर कौन दे त्रिभुज ए बी सी रे एम एंगल बी इक्वाल टू 90 डिग्री हेले निम्नस्थ प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो त्रिभुज ए बी सी रे चित्र करदे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी रे एम एंगल बी के 90 डिग्री चित्र करदे एवं आम यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा प्रथम क्वेश्चन कही एंगल ए प्लस एम एंगल ए प्लस एम एंगल सी इक्वाल के देख त्रिभुज तीन कोण समष्टि के 180 डिग्री आम जाचे गोटे कोण के 90 होगा तो आ दुटा कोण के 180 डिग्री टिके रु 180 डिग्री माइनस 90 तो के 90 आस तो एंगल ए आउ एंगल सी रे परिमाण के 90 डिग्री आंसर हो 90 डिग्री बुझा बोले कमी है त्रिभुज तीन कोण समष्टि 180 डिग्री गोटे कोण 90 हेले आ दुईट कोण के 180 माइनस 90 इज इक्वाल टू 90 ओके तापरे डबल आई देखा ए बी इक्वाल टू बी सी हेले एम एंगल ए के से कही ए बी इक्वाल टू बी सी है
ए बि इक्वाल टू बी सी माने ए बाहु सह ए बाहु समान हेले एई कोण सह एई कोण 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 समान हबो मु आगर कहिछि जदि त्रिभुजर दुईटी बाहु समान हुए ताकर सम्मुखीन कोण कोण समान हबो जदि त्रिभुजर सम्मुखीन कोण समान हुए तेबे ताकर सम्मुखीन बाहु कोण समान हबो बुझा पड़ला जेहेतु एडी कोण दीडा बाहु समान ताकर सम्मुखीन कोण कोण हबो समान हबो अर्थात एंगल ए इक्वाल के ते एंगल सी हबो जदि एंगल ए इक्वाल एंगल सी हबो मने करे एंगल ए रे परिणाम एक्स पकि दियो तो एंगल सी कोण हबो एक्स हबो तो सूत्र पकई दिव त्रिभुजर तीन कोण समष्टि के 180 डिग्री है एंगल बी के 90 डिग्री एंगल ए हूँ एक्स डिग्री एंगल बी एंगल सी हूँ कौन एक्स डिग्री इज इक्वाल टू 180 डिग्री तो एक्स एक्स टू एक्स इक्वाल टू 180 90 गल के 90 तो एक्स इक्वाल के 45 डिग्री एक्स 90 बाई दुई काटिले के 45 डिग्री बुझा पड़ा तो प्रत्येक कोण के 45 लेखे आंसर हो एंगल ए के 45 डिग्री ओके बुझा बोला केमी है जी आम ट्रिपल आई को सही कहे एम एंगल सी इक्वाल टू 30 डिग्री हेल्ले एम एंगल ए के एंगल ए आउ एंगल सी के बाहर करें 90 डिग्री बाहर करते तो एंगल सी के 30 30 एंगल ए के हम 90 रु 30 फिट दि 90 रु 30 गले के 60 तो एंगल ए के आस 60 डिग्री ओके तापर जी आम 4 नंबर को कौन दे बिंदु त्रिभुज ए बी सी रहिस्थ कोण परिमाण के देख से कही बि बिंदु गोटे बहिस्थ कोण अच्छे से बहिस्थ कोण परिमाण के देख जिते बहिस्थ कोण अंकन करदे तो यहाँ कि कोण हो सन्नीहित परिपूरक कोण सन्नीहित परिपूरक मान कौन दीड जाक मिसले कितने 180 डिग्री तो गोटे 90 होगा तो आ गोटे कौन हम 90 हम एमती कर ना बहिस्थ कोण परिमाण इक्वाल के अंतस्थ दूरवर्ती कोण परिमाण सह सामान अंतस्थ दूरवर्ती कोण किए किए एंगल ए एंगल एंगल सी एंगल ए एंगल सी परिमाण ये के 90 आईता तो यहाँ जीत आस मैं से 90 बुझा पड़ा तुमको दुटा प्रोसेस कहीदी जो प्रोसेस सहज से प्रोसेस आंसर बाहर कर तापर देखिए भी नंबर क्वेश्चन कौन देती एंगल ए 45 डिग्री हेले त्रिभुजर केउं दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान हबो एंगल ए 45 हेले त्रिभुजर केउं दुईटी बाहुर दैर्घ्य समान हबो हला देखो एई कोण केते 90 डिग्री ये 90 हेले ये जा कोण 45 हबो जदि एंगल ए 45 हुए एंगल सी मध्ये कोण 45 हबो जदि एंगल ए एंगल सी 45 हुंती कोण दुईटा समान हेले कोण ताकर सम्मुखीन बाहु मध्ये कोण समान हबो बुझा पड़ा माने ए बी सह बी सी समान हबो ओके तो आंसर हो ए बी इज इक्वाल टू बी सी हला ए बी इज इक्वाल टू बी सी ओके तापर जीवा में 8 नंबर क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन कौन देजे त्रिभुज ए बी सी समकोणी त्रिभुज एंगल बी 90 डिग्री एंगल ए रे परिमाण एंगल सी रे परिमाण 5 गुण हेले कोण द्वारा परिमाण स्थिर कर मने करे एंगल सी एक्स नै जो तो एंगल ए केते हे जो 5x हे जीवो एंगल सी रे 5 गुण एंगल सी एक्स हेले एंगल ए केते 5x बुझा पड़ला एबे आमे त्रिभुजर तीन कोण समष्टि एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल केते 180 डिग्री हेला तो एंगल ए के 5x हेला एंगल बी के 90 डिग्री दे 90 पकई दियो एंगल सी के एक्स डिग्री तो 5x प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वाल टू 180 डिग्री तो 5x प्लस एक्स के 6x 6x इक्वाल के 180 डिग्री रु 90 गल के 90 तो 6x इक्वाल के 90 डिग्री तो एक्स इक्वाल के 90 बै 6 होगा काटली के 15 डिग्री तो एंगल ए के देख एंगल सी के एंगल सी के 15 डिग्री तो एंगल ए के हम ना 15 डिग्री 5 गुण मान 15 × 5 15 × 5 = 75 है अर्थात एंगल सी हूँ 15 डिग्री आउ एंगल ए हूँ के 75 डिग्री बुझा पड़ा एवं आम जा 9 नंबर क्वेश्चन को त्रिभुज ए बी सी रम एंगल ए 48 डिग्री एंगल बी 110 डिग्री हेले निम्नोक्त उक्ति गुड़ी शून्य स्थान पूरण कर देख ये 48 होगा ये 10 होगा तो ये के हम मिसे दि ये 110 ये 48 मिसले के 8 × 4 = 5 158 है तो एंगल सी के 180 डिग्री माइनस 158 फिले के हम ये 2 × 7 = 5 गले 2 तो ये के 22 डिग्री ओके एबे आमे यही क्वेश्चन जाक आंसर दबा क्वेश्चन कौन दे देख प्रथम क्वेश्चन कही शीर्ष बिंदु डैश टे बहिस्थ कोण एक सूक्ष्म गुण
हैला केउ शीर्षबिंदु पाखरे थिबा बहिस्थ कोण गोटे सूक्ष्म कोण हबो केउ शीर्षबिंदु आंसर हिजबो देखो सूक्ष्म कोण माने कोण सूक्ष्म कोण माने कोण ना 90 डिग्री छोटो हेथिबो हैला तो केउ कोण ये देखो गोडी ये गोडी स्थूल कोण बुझा पड़ा ये स्थूल कोण हेले तार बहिस्थ कोण कोण गोटे सूक्ष्म कोण निहति हबो बुझा पड़ा तो आंसर हिजबो एंगल बी हैला तार बी नंबर क्वेश्चन कहि शीर्षबिंदु ए ठारी थिबा बहिस्थ कोण परिमाण केते हबो शीर्षबिंदु ए ठारी थिबा बहिस्थ कोण परिमाण केते हबो आंसर कौन हो देख ए दीटा कोण मिसले के 180 डिग्री गोटे कोण के 48 डिग्री तो अंडी के 180 फेड़ दि के आसो ये दुई सात रु चार गले तीन 132 तो आंसर हो 132 डिग्री है सी कही बी ठारे बहिस्थ कोण परिमाण के बी ठारे जो बहिस्थ कोण अच्छे परिमाण के 180 रु 110 फेड़ दि के आस 70 डिग्री आंसर हो 70 डिग्री तापर एंगल सी ठारे बहिस्थ कोण के एंगल सी पर 22 डिग्री तो बहिस्थ कोण के 180 रु 22 फिट दि के आस 10 रु 2 गले 8 ये 7 रु 2 गले 5 ये 158 के आस 158 डिग्री ओके तापर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पार्श्वस्थ चित्र रे एडी लंब बीसी एडी इक्वल टू बीडी ओ एम एम एंगल डी ए सी इक्वाल टू 42 डिग्री हेले एक दुई तीन चिन्हित कोण मानक परिमाण स्थिर कर तुमको दत्त कोण दे त्रिभुज ए बी ए डी बी रे ए डी लंब बी डी ए डी लंब बी डी ए डी लंब मान कौन ये 90 डिग्री होला ए डी इक्वाल टू बी डी ए डी इक्वाल टू बी डी हेले कौन ए बाहु सामान हेले यही कोण सामान हम है ये कोण सामान होदी गोटे कोण 90 है आ दीटा कोण कौन 90 हम दीट जगह कौन सामान सामान अच्छा सामान सामान कौन ये 45 ये मैं कौन जे 45 है मो दीटा कोण बाहरी पड़ा गोटे 45 आ गोटे 45 है ये कौन 45 दुई मध्य कौन 45 एवं आम तीन नंबर बाहर करवा तीन नंबर देख गोटे कोण 42 आ गोटे 90 दे तो त्रिभुज तीन कोण समष्टि इक्वल के 180 डिग्री है गोटे कोण 90 आ गोटे कोण के गोटे कोण 90 दे गोटे कोण के 42 तो दीट जा मिसे के 2 9 4 13 132 होगा तो अंडी के 180 डिग्री माइनस 132 फेड़ दि 10 रु 2 गले 8 है 7 रु 3 गले 4 है तो आंसर के 48 डिग्री है आंसर 48 डिग्री ओके तो आज आम त्रिभुज पाठर अनुशीलन 2 रो 1 नंबर रु 10 नंबर जाए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारे नेक्स्ट भिडियो आम 10 नंबर रु 20 नंबर जाए सरी 11 नंबर रु 20 नंबर जाए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा आशा करूँ 1 नंबर 10 नंबर जाए समस्त को बुझा पड़ी जहाँ बुझा पड़े आउ थे रिपीट करके देखी नि ओके जब बुझा पड़े मतलब कमेंट करके पचार है कौ पार्ट टी बुझा पड़े कौ क्वेश्चन टी बुझा पड़े मतलब कमेंट कर जनाओ ना टेलीग्राम चैनल मत जन पार ओके जदि भिडियोटी भल लगी गोटे लाइक करूँ आई भिडियोटी को निजर जितक सांग अच्छा समस्त पाक सेयार कर दिंतु ओके आज पर पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।